Shut up and sit down. कोई भी मशीन को चलाने के लिए उसका फ्यूल का जरूरत होता है, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रम हो। वैसा ही हम लोगों का भी शरीर जो है वो एक मल्टी फंक्शनल मशीन ही है, जिसको चलाने के लिए फूड का जरूरी है, लेकिन फिट रहने के लिए हमेशा बैलेंस फूड का जरूरी होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना इजीली आप एक बैलेंस डाइट फॉलो कर सकते हो और खुद को फिट रख सकते हो। मैं हूं मदर हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आपके लिए इस तरह का वीडियो लेके आता हूं जो आपको फिटनेस के बारे में, जो आपको होटल के बारे में, फूड के बारे में और काफी सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए आपके वो सारे दोस्तों को जिसको डाइट प्लान का, डाइट फूड का जरूरत है। मेरा इससे पहले एक वीडियो था जिसमें मैं जानकारी दिया था इस कोविड सिचुएशन में आप खुद को कैसे फिट रखोगे, आप खुद को कोविड से कैसे बचाओगे। उसी वीडियो में मैंने बताया था, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बैलेंस डाइट के बारे में, जो आपके शरीर का इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए नॉलेज देगा। आप फूड कितना खा रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि आप कौन सा फूड खा रहे हो, क्योंकि सारे फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग होता है और आपको ये जानकारी रखना जरूरी है कि किस फूड से क्या बेनिफिट है। और इसके साथ भी ये जानकारी भी रखना चाहिए आपको किस रेशियो में फूड खाना है। इसके लिए आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा ऐसा एक बैलेंस डाइट प्लान जो एक एडल्ट के लिए, जो एक मॉडरेट वर्क करता है उसके लिए जरूरी है, जो मेंटेन करने से उसका हेल्थ फिट रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव रहेगा, फिजिकली वो एक्टिव रहेगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिए पूरा जानकारी के लिए और शेयर कीजिए। बेसिकली कोई भी डाइट प्लान बनाने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का जरूरत होता है, जैसे कि जिसके लिए डाइट प्लान बना रहा हूं वो मेल है कि फीमेल है, क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, पूरा दिन का वर्क साइकिल कैसा है उनका, खाना क्या क्या खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जो डाइट प्लान अभी शेयर करने वाला हूँ इन जनरल सबके लिए है। आप जितना खाना खाते हो, जितना फूड इंटेक करते हो, उसका रेशियो किस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए उसके बेस के ऊपर है। आज से 50 साल पहले जो चीजें फॉलो किया जाता था वो कुछ इस फूड पिरामिड के ऐसा है, जैसे नीचे वाला पोर्शन के जो रेशियो है इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसमें प्रोटीन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है विटामिन एंड मिनरल्स लेना पड़ेगा, इस हिसाब से था। लेकिन पहले से अभी का जो वर्क कल्चर है चेंज हुआ है, इंसान के एक्टिविटीज जो है वो चेंज हुआ है, तो अभी जो है अभी कुछ इस तरह से बना हुआ है डाइट प्लान को, जैसे कि आपका जो डाइट प्लान है मैंने इस प्लेट पे दिया हुआ है घड़ी के नंबर के हिसाब से। इसमें क्या होगा आपके लिए आसानी होगा समझने के लिए, क्या है देखिए 12 से लेके 12 एक दो तीन चार पांच छह सात करके फिर 12 तक है, यहाँ पे मैं इस हिसाब से इस प्लेट को डिवाइड किया हूँ। सोच लीजिए ये आपका फूड इंटेक करने का प्लेट है, इसको मैं इस हिसाब से डिवाइड किया हूँ कि इसमें समझ में आया आपको कि कौन सा खाना कितना खाना है। आप सोचिए लंच का मील ले रहे हैं, इसमें अगर लंच का मील ले रहे हैं तो आपको देखिए 12 से लेके 5 तक आपको वेजिटेबल का क्वांटिटी रखना है, 5 से लेके 6 तक का जो पोर्शन है इसमें आपको फ्रूट का क्वांटिटी रखना है, 6 से लेके आपका 9 तक का आपको रखना है प्रोटीन का पोर्शनिंग, और आपका 9 से लेके 12 तक आपको रखना है कोई भी स्टार्च प्रोडक्ट, मतलब राइस रोटी इस तरह का। अभी मैं आता हूँ जो चीजें मैंने बताया उसको थोड़ा डिटेल्स में बताने के लिए। जैसे मैंने बताया आपको 12 से लेके 5 बजे का जो टाइमिंग का जगह है वहां पे आपको प्लेट में रखना है वेजिटेबल्स, आप सौते वेजिटेबल ले सकते हैं, आप बॉइल वेजिटेबल ले सकते हैं, या कोई भी वेजिटेबल सीजनल वेजिटेबल हो आप उसका प्रिपरेशन रख सकते हो, ले सकते हो। 5 से लेके 6 का जो पोर्शनिंग है मतलब आपको थोड़ा फ्रूट इंक्लूड करना है आपको मील में, आपका मील में 6 से लेके जो 9 है इसमें मैंने बताया था आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन का रिसोर्स बहुत होता है, आप वेजिटेरियन हो आप नॉन वेजिटेरियन हो इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता, प्रोटीन का काफी रिसोर्स है, और भी वीडियोस रहेगा जिसमें प्रोटीन रिसोर्स मैं बताऊंगा बहुत इजीली, इकोनॉमिकली आप प्रोटीन खुद को दे सकते हो। दूसरा है जो प्रोटीन है इसमें आप एग हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिसमें प्रोटीन का मात्रा है, लेंटिल्स हो गया, दाल हो गया, कोई भी दाल लीजिए जिसमें प्रोटीन का मात्रा रहता है, तो आप आराम से खुद के शरीर में प्रोटीन दे सकते हो। 9 से लेके 12 जो है दैट इज फॉर स्टार्च फूड, स्टार्च मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है जो हम लोगों को एनर्जी देता है, कोई भी राइस का पोर्शनिंग उसमें कीजिए,
आपका रोटी उसमें ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कोई भी दलिया जैसा चीज ले सकते हैं जिसमें आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिले। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, आप याद कीजिए क्या होता है, हम लोग घर में जिस हिसाब से खाना खाते हैं उसमें वेजिटेबल्स थोड़ा सा रहता है, कटोरी में दाल थोड़ा सा रहता है और रोटी या राइस ज्यादा रहता है। मतलब हम लोग जो रेशियो में खाना खा रहे हैं ये एकदम उल्टा है, और डे बाय डे ऐसे इंटेक करते करते बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है जो हाथ के बाहर चला जाता है। फिर आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत पसीना बहा के आपको बॉडी को फिट करना पड़ता है। मेरा मानना यह है अगर फूड को आप थोड़ा समझ के इंटेक करेंगे तो उसमें काफी बेनिफिट है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका शरीर फिट रहेगा, आपका वेट मैनेज रहेगा, आप हमेशा यंग दिखोगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो प्लीज फॉलो कीजिए, और अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरा दूसरा और एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ फूड्स। इसमें आपको समझाया जाएगा कौन सा फूड में क्या क्या चीज रहता है और क्या क्या एलिमेंट किस किस हिसाब से हम लोगों का शरीर में जरूरत होता है। इससे आपको बहुत अच्छा गाइड मिलेगा खुद के बारे में प्लान करने के लिए। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा बात है। हम लोग रोज 3-4 बार खाना खाते हैं, इसको थोड़ा समझ लेना है कितना इजीली आप अपने डाइट को मैनेज कर पाते हो। आप मैनेज कर पाओगे तो आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आप उनको गाइड कर पाओगे, आप स्वस्थ रहोगे, आपके फैमिली मेंबर्स स्वस्थ रहेंगे, आपके जितना एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए जितना खर्चा आता है वो कम होता रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए आसान होगा लाइफ को लीड करने के लिए। ये छोड़ के मैं और भी डाइट प्लान देने वाला हूँ, जैसे कि एक टीनेजर के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए, जैसे कि एक ओल्ड एज पर्सन के लिए कैसे डाइट प्लान होना चाहिए, एक बॉडी मसल्स गेन करना चाहता है उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ये छोड़ के कोई वेट को लूज करना चाहता है उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सारे वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग प्लीज देखिएगा और आपके वो सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको लगता है जिसके लिए डाइट प्लान जरूरी है, उसको प्लीज शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को और मेरे साथ बने रहिए एंड तक। होप हम लोग ये जर्नी और अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा। ये छोड़ के भी अगर आपको आपके लिए डाइट प्लान बनाना है, मैं मदर हन्नान आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है इसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग का टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आपके लिए डाइट चार्ट एज अ गिफ्ट आपको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। प्लीज बने रहिए, हम लोग चाहते हैं आप हेल्दी रहे, हम लोग चाहते हैं आप अच्छे रहे, हम लोग चाहते हैं आप एक अच्छा कल्चर क्रिएट करें। दोस्तों ये सिर्फ बिगनिंग है, अभी और भी जाननी बाकी है। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, कमेंट चाहिए, जल्दी मुझे कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट आपका मोटिवेशन मुझे और आगे तक पहुंचाएगा। शेयर कीजिए इस चैनल को सारे दोस्तों के साथ, सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।